नमस्कार, अभी अभी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीना से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त बीना पहुंच चुके हैं और अस्थायी अस्पताल का कर रहे हैं निरीक्षण। डीआरडीओ के सहयोग से बन रहा है कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल। तो बताते हैं आपको, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीना पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी खबर पर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो बीना पहुंच चुके हैं, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और क्या कुछ आज उनकी व्यवस्थाएं हैं वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं अनन्या, सबसे बड़ी बात तो ये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीना में सबसे बड़ा एक तरह से बुंदेलखंड की धरा पर अपने आप में जिस तरह का कोविड केयर सेंटर बन रहा है लगभग 1000 अस्पतालों का, 1000 बेड का, वो उसको लेने गए हैं। दूसरा जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका भी निरीक्षण करेंगे, क्योंकि लगातार मध्यप्रदेश में जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है उसमें लेके जो पिछली बार कल जो है उनका जो संवाद हुआ था उसके बाद से वहाँ ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ, ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई है। ये तमाम पहलू रहेंगे जिसमें अधिकारी भी रहेंगे, उनके साथ जो है परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और राजबहादुर सिंह जी मौजूद हैं। इस सारे कोरोना संक्रमण काल में और जिस तरह सागर संभाग में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद ये कोविड केयर सेंटर अपने आप में वहाँ लोगों को निजात दिलाने के लिए होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सके, वहाँ काढ़ा दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, सारी सुविधाएं संपन्न होगा और इसको तैयार करने में जितनी जल्दी हो जाएगी इसी का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। जी गीत जी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर किन सुविधाओं से लेस ये अस्पताल रहेगा, किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर कोरोना के मरीजों को दी जाएंगी? कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए ना जो भी सुविधाएं दी जाएंगी, जो मरीजों को मिलना चाहिए सारी सुविधाएं रहेंगी। मैंने जैसे आपको भी इससे पहले बताया कि भोजन, काढ़ा और योग शिक्षा दी जाएगी जिसमें कोरोना संक्रमित जितने मरीज हैं वो किसी तरह से पैनिक ना हो पाए और किसी तरह संक्रमण से लड़ने के लिए कैसे इम्यूनिटी पावर क्रिएट हो सकता है, उन सारी बातों से दवाइयां भी वहाँ निःशुल्क वितरण होगा। ये सरकार की मेरे को लगता है बड़ी अनूठी पहल है जिसको लेकर वहाँ के लोग काफी उत्साहित होंगे। जी धन्यवाद गीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बीना से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीना पहुंच चुके हैं, अस्थायी अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें डीआरडीओ के सहयोग से यह अस्पताल बनाया गया है जो कि 1000 बेड्स की उपलब्धता के साथ बनाया जा रहा है। साथ ही इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद हैं। वहीं भारत में